श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड अध्याय 30 सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार करना। पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदनवन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही है, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही है। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोषयुक्त होगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देख कर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में ये कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछे कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानर राज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहां तक आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता इसके पहले ही अपने प्राण त्याग देंगी। अच्छा तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषत वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूंगा। परंतु ऐसा करने में एक बाधा है, यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आधमकेंगी। तदनंतर ये विकट मुखवाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेगी। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब सशंक हो उठेंगी। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी।
इसके बाद वे निशाचारियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल, बाण, तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आधमकेंगे। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का ये सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। ये स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती है। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। मैं इच्छानुसार सहस्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूंगा। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, उसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता और मुझे संशययुक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशययुक्त बनाना चाहेगा। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेहनंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी या असावधान दूतके हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वो निष्फल हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूतके कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। फिर किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन लें किंतु घबराहट में न पड़े, इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया। जिनका चित अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का जो अनायासी महान कर्म करने वाले हैं गुनगा गाकर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूंगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे।